छतरपुर का बागेश्वर धाम, जहां पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया है। हम शुक्रिया करेंगे कुलभूषण का जो हमारे साथ बने हुए थे। अब हम जो पंडित प्रदीप मिश्रा की बात कर रहे थे, आगे बात हम करेंगे बागेश्वर धाम की, जिसका मैं अब चर्चा कर रहा हूं कि कथा का आयोजन वहां पर है 7 दिवसीय, कहां पर? बागेश्वर धाम में, जहां आयोजन के पहले दिन से ही पूरे देश से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। बागेश्वर धाम में भी लोगों को काबू करना पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर हो गई है। आलम यह है कि यहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बागेश्वर धाम में भी बुधवार को एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद धाम में मौजूद सेवादारों और पुलिस ने कुछ देर बाद उसे हॉस्पिटल में भेजा। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर तस्वीरें, और आज तो प्रेत बाधा का मेला लगा हुआ था, तो मृत घोषित कर दिया। और मृतक महिला अपने पति देवेंद्र के साथ बागेश्वर धाम में पिछले कुछ दिनों से आई हुई थी। उसने भी बाबा से मिलने की अर्जी लगाई थी और अपने नंबर का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस महिला का नंबर नहीं आया, वो बाबा से नहीं मिल पाई और उसकी मौत हो गई। अब इसे क्या कहेंगे? बागेश्वर धाम में फैली जो अव्यवस्था है, वो कहानी मृत महिला के पति खुद बता रहा है, पहले इसकी बात सुन लीजिए। देवेंद्र सिंह, पत्नी को क्या नाम आपकी? नीलम। नीलम, नीलम देवी। नीलम, कहाँ की है आप? हमारा गाँव है महाराजपुर, पोस्ट हिम्मतपुर, जिला फिरोजाबाद, थाना नारीपुर। कौन सा जिला बताओ? फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। कैसे जी आपकी पत्नी खत्म हो गई, कहाँ आप रुके रहे इतने दिन? हम बागेश्वर धाम रुक रहे थे, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, रोज बरगम्मा लगा रहे थे, रोज खा पी रहे थे, आज दरबार में लगने वाला था, वहाँ बैठे थे, बैठा के चलाया था, मैं बरगम्मा लगा के गया हूँ। तब तक इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती थी, कल भी हो गई थी, फिर कुछ सही हो गई थी, भगवती देने के बाद पुलिस वालों ने वहाँ से कहा नहीं यहाँ से हटा, गाड़ी में डाल के 2 घंटे इधर रखा खेतों में, फिर एम्बुलेंस बुला के जिला में चेक करवा लूँ, वहाँ से भगा दिया। क्या दिक्कत क्या थी? सन्यासी बाबा सही कर देते, वहाँ सही है गई, डॉक्टर अचम्मा मानते कि दिल्ली के ऑल इंडिया डॉक्टर जो कह रहे कैसे सही चल रही है ये। दिक्कत क्या थी उनकी? इतनी प्रॉब्लम थी तो वहाँ सही आराम लग गया? अरे 8 महीने हो गए था, आराम से खा रही थी, घूम रही थी, कोई टेंशन नहीं थी। आज दरबार लग गया, अब यहाँ पर सौ रखा है, कैसे आप घर ले जाएंगे? क्या कोई है, मदद हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या मदद हो रही है, वो एम्बुलेंस वाले छोड़ के चले गए, उन्हें भी खत्म हो गई है, ले जाओ अपना ले जाना है। क्या कहेंगे आप? इलाज चल रहा था महिला का, एम्स में भी इलाज चला, डॉक्टर को दिखा रहे थे, उनको लगा कि शायद बागेश्वर कुछ चमत्कार कर देंगे, वो ऐसा चमत्कार कर देंगे कि ये महिला ठीक हो जाएगी, लेकिन महिला ठीक तो नहीं हुई, महिला की मौत हो गई। बागेश्वर, पंडित धीरेंद्र शास्त्री, जिनसे खुद हमने बातचीत की, वो दूसरों के भविष्य बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं चुटकियों में ठीक कर दूंगा, इलाज भी कर दूंगा और धमकी भी देते हैं, लेकिन उनके दरबार में आज एक महिला की मौत हो गई। वो कहते हैं कि हमारा तार ऊपर जुड़ा हुआ है, काश वो अपनी शक्ति से, अपने तार से इस महिला को जिंदा कर देते तो आज हम भी उन्हें मान जाते। लेकिन बीमारी खत्म करने की उम्मीद लेकर देवेंद्र अपनी पत्नी को यहां पहुंचा, बीमारी तो ठीक नहीं हुई लेकिन महिला की मौत हो गई। और खुद उसने बताया कि खेतों में गाड़ी दौड़ाते रहे, इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया, 2 घंटे तक घूमते रहे। क्या कहेंगे इसे? अंधभक्ति, अंधविश्वास, लेकिन कैसी आस्था है जो आफत बन गई? सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? कम से कम एक संख्या तो तय होनी चाहिए ना। ठीक है, हम किसी के आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन एक संख्या तो तय होनी चाहिए ना कि भाई यहां के आयोजन में इतने से ज्यादा भीड़ नहीं आएगी। और यह जिम्मेदारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है। और अगर बावजूद इसके संत लगातार 19 से ज्यादा भीड़ों को आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है?
ऐसी आस्था मत पैदा कीजिए कि वो आफत बन जाए, और इतने अंधभक्त मत बनिए कि वो आपके लिए आफत बन जाए। छोटे छोटे बच्चे पानी नहीं है, परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बीमार हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि साहब कुछ तो दे दो खाने के लिए, पानी दे दो पीने के लिए, लेकिन आप आए क्यों? ऐसी आस्था मत पालो, इतने अंधविश्वासी मत पालो, इतने अंधविश्वासी मत बनो। अगर ईश्वर को आपके ऊपर कृपा करनी होगी तो आपको घर बैठे कर देगा, और ईश्वर से मिलने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है, तो ईश्वर आपको कहीं भी मिल जाएगा। वो आपके घर में मिल जाएगा, आपके खेत में मिल जाएगा, आपके बाजार में मिल जाएगा, आपकी दुकान पर मिल जाएगा। उसके लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आस्था की अफीम पूरे देश में चल रही है, आस्था की अफीम को पूरे देश में चटाया जा रहा है, और लोग दर दर परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं। अब लोग जाने और उनका काम जाने, लेकिन आस्था जो आफत बनी उसकी तस्वीर है मैंने आपको बताया। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुद्दे की बात में इतना ही, नमस्कार।